अबे नाखून में जमी हुई मैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? जो इंटरनेट ऐड के लिए मैंने स्पेस बुक किया था वो तूने किसी और को कैसे दे दिया बे? किसको दिया? हॉटलाइन वालों को। अबे तो मैं क्या करूं? क्या पूरी रात करो हसीनाओं से बात? ऐसा भी होता है क्या? अबे कमीने, जब हसीनाओं से बात होगी तभी तो हसीन होगी। तू जैसे कमीने से बात करेंगे तो हसीन कैसे होगी? हैं? सच में हसीनाओं से बात कराते हैं? अभी क्या बात कर रहा है यार, मेरी भी बात करवा देना। क्या सर्च करूं सर्च इंजन पे? हेलो हेलो, काट दिया। कैमरे की कसम, ये धंधे का आइडिया तो बहुत अच्छा है। क्यों ना मैं भी ऐसा धंधा शुरू कर दूं? वैसे भी ठरक का धंधा कभी मंदा नहीं होता। अरे वो इंसान की औलाद, पर एक बात का ध्यान रखियो, ठरक में धोखा खाया हुआ इंसान बहुत खतरनाक बन जाता है। क्या कहना चाह रहा है ब्रो? एक बार मेरे कजन ब्रदर टॉमी ने भी ऐसा ही कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था। खंबे के पीछे से फीमेल डॉग की आवाज से कई कुत्तों को उसने बेवकूफ बनाया और उनसे कई बार हड्डियां ऐंठ ली। और जब उन कुत्तों को पता चला तो उन्होंने टॉमी की वो हालत की कि बेचारे की आजकल खुद की आवाज भी नहीं निकलती है। अरे ब्रो, मैं किसी से आवाज निकलवाऊंगा नहीं, मैं तो सचमुच हसीनाओं से बात करवाऊंगा, उसके लिए लड़कियां भी रखूंगा। लेकिन सबसे पहले एक नए नंबर का बंदोबस्त करना होगा। हाय हाय हाय। पप्पू भाई, जैसे कृष्णा। अरे भावेश भाई, एक नए नंबर का जुगाड़ करो ना। हाँ, नया धंधा शुरू करना है। पप्पू भाई, अरे इतना बता दो कौन सा नंबर चाहिए और कौन सी कंपनी का चाहिए। एक मिनट पप्पू भाई, कोई नया धंधा शुरू करने जा रहे हो क्या? भावेश भाई को भूल मत जाना वो। अरे भावेश भाई, धंधा तो शुरू होने दो, बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक नए नंबर का जुगाड़ करो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये नंबर नया है। ओके, मिल जाएगा मालिक, टेंशन नहीं लेने का, भावेश भाई है ना। गांव बसाने लुच्चा पहले आ गया। चलो नंबर का जुगाड़ तो हो गया, अब आगे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये पतीसा, जीजा कौन सा नया गुलपंख खिला रहा है? नया नंबर, नया धंधा, जरूर कोई अलग ही खिचड़ी पका रहा है। इसके नए धंधे में अपना डंडा घुमाना ही पड़ेगा। जस्सी फ्रॉम कनाडा। अरे प्रेम, सुनो सुनो। हाँ गए? ये फिल्म की डीवीडी जरा मेरी तारों को पहुंचा दो। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। शक्ल से क्या तोता दिखता हूँ अंकल? चिट्ठी लेके यहाँ वहाँ घूमता फिरू, चूमता फिरू। अरे किसको चूमता फिरू? अरे जिसको चूमना है वो तो आजकल नजर ही नहीं आती। अंकल क्या काम है वो बोलो, और काम से पहले काम का दाम बोलो। 100 रुपीज लगेंगे, भेजना है तो बोलो, नहीं तो मैं चला। रुको रुको, ये लो 100 रुपए और ये लो डीवीडी, मेरी तारों को पहुँचा दो, मेरे प्यार का तोहफा। क्यों दाग रहे अंकल? ठीक है, काम हो जाएगा। शाबाश। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अब देखो कि इसे आम की गुठलियों का दाम भी मैं वसूल करता हूँ। डॉली, तुझे जितना सोना था तू सोली, अब जाके है तूने अपनी आंखें खोली, और अब देखना मैं उस साले के प्यार से भर दूंगा तेरी झोली। अब बस जैसा जैसा मैं कहूँ तू वैसे वैसे चलना। लेकिन आप मुझे लंगड़ी टांग करने को तो नहीं कहोगे ना? अबे तेरी, नहीं नहीं, मैं तुम्हें लंगड़ी टांग पे चलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने आइडिया पे चलने के लिए कह रहा हूँ। मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना है। ठीक है। तो सुनो, अब हम उस साले को फोन करेंगे और उसके बाद तुम्हें फोन पे बहुत प्यारी प्यारी बातें करनी है। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि शहद की डब्बी खोल के उड़ेल दी हो, उसके तो तोते उड़ जाने चाहिए। लेकिन उसने मुझे डांट दिया तो? अरे वही तो ट्रिक है डॉली, तुम्हें उसकी आवाज नहीं सुननी है, तुम्हें दूर से बात करनी है। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि वो कह क्या रहा है? अरे वही तो करना है। देखो तुम हमेशा कहती हो लेकिन सुनने के बाद तुम कुछ कह नहीं पाती हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ कहना है, सुनना कुछ नहीं है। मतलब बिना सुने? हाँ, और तुम्हें उसे बार बार सिर्फ एक ही लाइन बोलनी है, अगर तुम लोनली हो और रात भर मुझसे प्यारी प्यारी बातें करना चाहते हो तो मुझे फोन करो, उसी नंबर पे जिस नंबर से मैं फोन कर रही हूँ। ओके पप्पू जी, एक बार रिहर्सल करते। ओके हाँ। डाली, अगर तुम लोनली हो तो? अरे नहीं 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 नहीं, अरे यार उस कुत्ते काले, आई मीन उस साले का नाम नहीं लेना है। हाँ लेकिन मैं उसका नाम ना लूँ, उसकी आवाज ना सुनूँ तो पप्पू जी फीलिंग्स कहाँ से आएंगी? मैं दूंगा ना तुम्हें फीलिंग। क्या बात है? जब तुम उस साले से बात कर रही होंगी ना तो मैं तुम्हें पीछे से ऐसे बाहों में भर लूंगा, तुम ये समझ लेना कि ये उसी साले की ककड़ी जैसी बाहें हैं, तो तुम इसे फील करके प्यारी प्यारी बातें करना और मैं तुम्हें पूरा पूरा फील दूंगा। ओके
ओके तो मैं जैसे जैसे तुम्हारे कान में कहता हूँ ना, तुम वैसा वैसा कहती जाना। रेडी? हेलो हेलो, अगर आप रात को लोनली है, वनली? क्या वनली? हाँ मेरी किडनी वनली है, एक वनली। ओनली नहीं, लोनली। ओनली नहीं, लोनली, लोनली। ओ लोनली, हाँ हाँ भाई मैं लोनली हूँ। अबे दीवारों में से उखड़ने वाली पपड़ी। अबे दीवारों में से उखड़ने वाली पपड़ी। अरे तुम्हें ये नहीं बोलना है। नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं बोलना। मेरे मुद्दे की बात करो इससे। हाँ अगर आप लोनली है तो इस नंबर पर अपनी एज SMS कर दीजिए। एक मिनट, मुझे तो जस्सू की एज पता है। हेलो हेलो, अरे बेबी बस जैसा मैं कहता हूँ तू वैसा करती जाओ। आओ मैं तुम्हें अच्छे से फीलिंग देता हूँ। मुझे आपकी फीलिंग से कोई जरूरत नहीं है, और किसी से फोन पे बात भी नहीं करनी मुझे। फीलिंग देने के बहाने मजा लूटते हो, है ना? मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे डॉली, अबे यार अब अगला कॉल कैसे हैंडल करूंगा? ये तो गई, किसी और को फंसाना होगा। चीजें तू इतना गिर गया कि डॉली से ये सब करवा रहा है? चीजें इतना घटिया चीप काम तू कैसे कर सकता है? छी, हैं? इस बुझे हुए सुतली बम में चिंगारी कहां से उड़ गई? अपनी उम्र बता रहा है 20, अब तो यही पहुंचाएगा मुझे फीस। That's right, that's right, that's right. हेलो हेलो, हाँ हमारी कंपनी के पास आपकी डिटेल्स आई हैं कि आप लोनली हैं रातों को और तरस रहे हैं बातों को। बरस रहे हैं ये लोग? हाँ सुबह से ही बरस रही है बारिश। आपके कान का डिक्शन कमजोर है क्या? शोर है? अरे शोर कहाँ है, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। शोर नहीं कमजोर, कमजोर है ना कमजोर। बोर? हाँ बोर तो हो जाते हैं। अरे भाई उम्र ही ऐसी है, इसलिए तो मैसेज किया भाई। हाँ हाँ बोर 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 हो जाते हैं। राइट राइट है, हाँ बोर हो जाते हैं ना। अच्छा आप सुनिए, आपको हमारी सर्विसेज यूज करने से पहले हमें फीस पहुंचानी होगी। हाँ तो आके ले जाओ। नहीं नहीं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं ना जहाँ का ये नंबर है, हमें उस सोसाइटी का पता है, आप वहाँ के गार्ड को पैसे दे दीजिएगा, हम उठा लेंगे। हाँ हाँ भिजवाता हूँ। ओके हो गया काम। देखो पिंकी डार्लिंग, मैं ना अपने टेली शॉपिंग नेटवर्क पे सिल्क की साड़ी बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी सिल्क जैसी स्मूथ आवाज में बात करनी है। पर मेरी लाइंस तो दो। लाइंस लाइंस तो कुछ भी बोल दो। कैमरे की कसम, पहली बार भावेश भाई ने बोलने वाली मॉडल भेजी है। जैसे कि साड़ियों में साड़ी, सिल्क साड़ी। नहीं नहीं नहीं, ये तो पुराना हो गया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। पहले फीलिंग लाओ, उसके बाद साड़ी पहन लेना। हाय हाय, मतलब पहले कुछ भी लाइन बोल देते हैं, उसके बाद उसमें साड़ी फिट कर देंगे, है ना? ये सोच के बात करना जैसे तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो, और तुम्हें ये पता लगाना कि कहीं उसका किसी और लड़की से चक्कर तो नहीं चल रहा है। रियली? यानी मैं उसका टेस्ट ले रही हूं? हां ऐसा ही समझ लो। अब देखो, जब मैं ये फोन तुम्हारे पास में लाऊंगा ना, तो तुम्हें इस फोन पे बोलना है कि अगर आप रात भर प्यार भरी बातें करना चाहते हैं तो प्लीज अपनी एज SMS करें इस नंबर पे। ओए होए। ओके ओके, एक मिनट। अगर आप रातों में लोनली फील करते हैं, अगर आप रातों में प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे अपनी एज SMS करें। ये बात। वाह यार, इस बार तो भावेश भाई ने कमाल की मॉडल भेजी है। क्या लपेट के मारा उसे साड़ी में। मतलब? मतलब कुछ नहीं। देखो तुम मुझे टाइम पास के लिए मत बुलाया करो, अगली बार मैं साड़ी के बिना नहीं आऊंगी। इस बार भी कहाँ आई थी? मेरा कहने का मतलब है कि साड़ी नहीं आई तो क्या हुआ, आइडिया तो आ गया। आया बड़ा। अगली बार पहले मैं तुम्हें साड़ी पहनाऊंगा, मतलब तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा, उसके बाद तुम्हें बुलाऊंगा। अपना काम तो हो ही गया। Oh.
अरे प्रेम बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? ये वाली फिल्म देखी है? ये वाली? अब नहीं, ये वो रोमांस वाली फिल्म है ना? अरे म्यूजिक है, डांस है, सब कुछ है। वाव, मैं देखूंगी और अपने पुच्ची को भी दिखाऊंगी। खरीदनी पड़ेगी आंटी। अच्छा कितने की है बेटा? और ये फिल्म तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने खरीदी और मेरा एग्जाम चल रहा है ना, तो मैं देख नहीं पाऊंगा। इसलिए आप एक काम करो, मुझे MRP से 10 पीस कम देना, ठीक है? ओके, दो। 130, 120 देती हूँ। हाँ, आज काफी कमाई कर ली प्रेम बेटा। चंपक लाल के छोले भटूरे जाके खाता हूँ। ये लो। क्या बात है? थैंक यू आंटी, बाय बाय। वाओ, मेरे इंटेलिजेंट दिमाग ने कितनी अच्छी डील की है। चोपड़ा का मैसेज। आ गया आटे में। अपनी एज लिखी है 25 साल। थरकियों का बादशाह, इसको तो अभी देखता हूँ मैं। हेलो, देखिए आपने हमारी कंपनी लोनली रातें प्यार की बातें में इंटरेस्ट दिखाया, तो आपको उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। आपको कुछ पैसे देने होंगे और वो पैसे आप अपने सोसाइटी के वॉचमैन को दे सकते हैं, क्योंकि ये सीक्रेट सर्विस है, हम वहां से उठा लेंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा तो ये डर्टी बिजनेस शुरू कर दिया तूने, बदबू वाले पसीने, कमीने, नए नंबर से नंबर बनाएगा। अब देख चीजे, तेरा साला तुझे कैसे मजे चखाएगा। क्यों भाई जीजे, किससे बातें चल रही थी? हाँ अबे ओ छिले हुए अंडे, कितनी बार कहा सुबह शाम मेरा इंटरव्यू मत लिया कर। इंटरव्यू तो मैं तेरा नेशनल टीवी पे करवाऊंगा, जब तेरी कंपनी की असलियत सबके सामने आएगी। कौन सी कंपनी की बात कर रहा तू? जीजे मैं उसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसके जरिए तू पैसे मंगवा रहा है, लोगों की रातें हसीन बना रहा है, और मैं भी तेरी रातें हसीन बनाऊंगा। घर से तेरी जिंदगी सड़क पे ले आऊंगा जीजे। अबे गधे, अबे कुत्ते, अबे कमीने, मतलब मेरे साले, इस बारे में किसी को मत बताना, तू जो कहेगा मैं करूंगा। हाँ चल ठीक है, एक काम कर, मेरे थोड़े हाथ पांव दबा दे, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। पूछी, या क्या करे? जस्सी भैया क्या करवा रहे मेरे पूछी से? एक तो मेरे बेचारे पूछी पूरा दिन काम करते, ऊपर से आप उनसे और काम करवा रहे हैं। काम करते रहते हैं? क्या काम करते हैं जीजे, बता दूं अभी? अरे कोई बात नहीं कनेडन, मैं भी तो कभी कभी अपने साले की सेवा कर सकता हूँ ना। वाओ पूछी, यू आर सो लविंग एंड केयरिंग, बट पूछी अगर आप इस तरह से जोर लगाएंगे ना तो आपकी सारी कैलोरीज वेस्ट हो जाएंगी, और मेरा इंटेलिजेंट दिमाग ये कहता है कि किसी भी क्लेवर आदमी को अपनी कैलोरीज इस तरह से वेस्ट नहीं करनी चाहिए, यू नो। चल ठीक है जीजे, बस कर, तू भी क्या याद करेगा, वैसे ये काम तो बढ़िया करता है। पुची, मैं भी जा रही हूँ, आप आराम कीजिए। हाँ बाय पुची, टेक केयर। कहाँ से आराम से सो जाऊं, मेरे साले ने तो मेरी नींद हराम कर रखी है। चोपड़ा का फोन, इससे कैसे बात करूं यार, अब तो मेरे पास कोई लड़की भी नहीं है, और अगर लड़की बुलाई तो ये साला भांडा फोड़ देगा। चोपड़ा से पैसे भी लेने हैं यार, जरूर उसी के लिए फोन कर रहा होगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आइडिया, घुंघरू वाला आइडिया। हेलो चोपड़ा जी, कहां भिजवा रहे हैं आप पैसे? ओह थैंक यू सो मच। यस, आइडिया तो अब मुझे आ गया बेटा, अब मुझे किसी लड़की को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद लड़की बनके सबसे बात करूंगा। साले जा लगा ले जितनी आग तुझे लगानी है। ओह गॉड, गॉड ये डीवीडी चल क्यों नहीं रही है? अब मैं पूछी को ये फिल्म कैसे दिखाऊंगी?
हे भगवान मेरी मदद करो। तुमने मुझे याद किया? अच्छा वो भगवान अंकल आप आ गए। देखिए ना ये डीवीडी मुझे कब से परेशान कर रही है, कब से चलाने की कोशिश कर रही हूँ इसे मैं, लेकिन चल ही नहीं रही। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, देखिए ना क्या प्रॉब्लम है। देखो अरे ये तो वही डीवीडी है जो मैंने प्रेम को दी थी मेरी तारों को देने के लिए। ये डीवीडी तुम्हें कहाँ से मिली? ये डीवीडी मुझे प्रेम ने दी है, वो भी MRP से 10 rupees लेस में। बेटा लगता है इसे साफ करना पड़ेगा, मैं इसे साफ करके तुम्हें दे दूंगा, फिर अच्छी तरह से चला पाओगे तुम, ठीक है? ओके भगवान अंकल, साउंड लाइक अ गुड आइडिया। आप इसे साफ कीजिए, तब तक मैं अपनी ब्यूटी स्लीप ले लेती हूँ। ओके ओके बाय। ओके बाय बाय। ये भी लेके जाइए। थैंक यू, बाय, टेक केयर। इस प्रेम के बच्चे को तो मैं देख लूंगा। लगता है जस्सी आंटी ने फिल्म देख ली होगी। अब जाके चिपकाता हूँ ये डीवीडी अपने पापा को, कुल्फी के पैसे निकल जाएंगे। तुमने मुझे धोखा दिया, पैसे भी ले लिया और मेरा काम भी नहीं किया। अरे क्यों थक रहे अंकल, ये सब मैंने आपके फायदे के लिए किया है। मेरे फायदे के लिए किया, वो कैसे? अगर मैं जाके ये डीवीडी सीधा तारा आंटी को देता तो वो कभी नहीं लेती, ये तो आप भी जानते। तो मैंने ये डीवीडी जस्मीन आंटी को दे दी, ताकि इसी बहाने वो डीवीडी घर पहुंच जाएगी, और घर पहुंच ही गई है तो तारा आंटी भी उसे देख ही लेगी, फिर वो आपके प्यार में पागल हो जाएगी, समझे? तुम सही कहते हो। That's right, क्योंकि मेरी तारो अंदर ही अंदर मुझसे प्यार करती है, लेकिन ऊपर से दिखावा करती है कि वो मुझे नहीं चाहती, इसलिए वो तुमसे डीवीडी नहीं लेती। इस दिमाग की एक्स्ट्रा मेहनत के लिए कुछ तो दो अंकल। अच्छा अच्छा ये लो, ठीक है? प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। हाय हाय हाय। छोटी छोटी छोटी, तू यहाँ सो रही है, वहां जीजा पता नहीं कौन कौन सी खीर पका रहा है। खीर पका रहा है? जस्सी भैया अगर मेरे पूछी को खीर खानी थी तो वो मुझसे कह सकते थे, मैं उनके लिए बना देती शाही अदरक और नीम की खीर। अरे छोटी कभी तो समझने की कोशिश किया कर। जीजा एक फोन लाइन चला रहा है जिसके जरिए वो लड़कियों को पटा रहा है और पैसे कमा रहा है। जस्सी भैया मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, आप फिर से मेरे पूछी पर शक कर रहे, जब देखो मेरे पूछी पर शक करते रहते हैं आप। मेरे इंटेलिजेंट दिमाग को ना बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। रुक जा छोटी, मैं तुझे एक फोन नंबर मिला के देता हूँ और देखना तेरा पूछी क्या गुल खिला रहा है। और क्या खिला रही पूछी उसको? छोटी तू बात तो कर एक बार। क्या बोलूं? कुछ भी, पराई लड़की बन के बात कर। अननोन नंबर से कॉल, लगता है किसी कस्टमर का कॉल होगा, इसका मतलब मेरी माउथ पब्लिसिटी शुरू हो गई। हेलो हेलो, देखिए हमें ये नंबर किसी ने दिया है, हमारी रातें ना बड़ी बोरिंग सी हैं, आप हमारे साथ बात करके हमारी रातों को ना इंटरेस्टिंग और रंगीन बना दीजिए। हेलो हेलो, अरे ये नेटवर्क प्रॉब्लम कहाँ से हो गया? हेलो, अरे कुछ तो बोलिए ना पूछी। हाँ मैं पूछी, इसका मतलब ये कनाडा का फोन है। मर गया बेटा पप्पू। हेलो, हाँ जी बोलिए ना, क्या इस नंबर पे आप हमसे थोड़ी प्यार भरी बातें कर सकते हैं क्या? देखो बहन जी, मैं अपनी कैनेडियन के अलावा ना किसी भी औरत से कोई फालतू बातें नहीं करता, और सबसे पहली बात ये जो नंबर है ना ये मेरे साले जसबीर का नंबर है। वो थका हुआ था इसलिए वो सोने चला गया, अगर उसके लिए कोई मैसेज है तो दे दीजिए, जब वो उठ जाएगा ना तो मैं उसको बोल दूंगा। ओके जी, थैंक यू। हाँ थैंक यू। बच गया बेटा पप्पू। देखा उस कमीने की काली करतूत। भैया हमेशा मेरी पूछी पर गलत इल्जाम लगाते रहते, आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। You're a cheat. छोटा इतनी बारिश में यहाँ? मैं तो बहादुर का हाल पूछने आया था। चाल पूछने आया था? इसके तो कानपुर में हड़ताल है। देखो चोपड़ा, चाल भले ही बिगड़ जाए लेकिन चलन ठीक रहना चाहिए। मैं तो बहादुर से मिलने आया था,
लेकिन बहादुर तो यहाँ दिख नहीं रहा। और यहाँ नहीं है तो फिर पप्पू के यहाँ होगा। वो दिन रात अपने पर्सनल काम करवाता रहता है इन बिल्डिंग के वॉचमैन से। मैं भी सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, अभी देखता हूँ। जस्सी भैया, आपने फिर से मेरे पूछी पर शक किया। तारी बैठ। छोटी, मैं ना सच कह रहा हूँ, जीजा पक्का कोई उल्टी चाल चल रहा है। जस्सी भैया, सच बताना, आप हर रोज मेरी पूछी को फंसाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हो। बोलिए। तेरा इंटेलिजेंट दिमाग एकदम सही सोच रहा है मेरी कैनेडियन। इस कमीने ने मेरे हाथ में ये फोन ऐसे थमा दिया और मुझसे कहता है कि इस लड़की से बड़े प्यार से बात करना। मेरा मन तो नहीं मान रहा था, पर फिर भी मैंने इस लल्लू लाल का भरोसा करके उससे बात कर ली। मुझे क्या पता था कि ये इतनी गंदी हरकत करेगा। नीचता पर उतर आया ये। मेरी बात करती भैया, you are a disgrace। सुधर जा, मैं बता रहा हूँ, झूठ मत बोल। दूर हो जा मेरी नजरों से कमीने। जाइए जैसी भैया। Yes. चलो मैं आपके लिए शाही खाना बना के लाती हूँ। हाँ, okay, okay. Bye. Bye. सुन लिया, क्या खिचड़ी पकड़ी थी यहाँ? अच्छा, तो ये सब पप्पू की चाल थी। पर मैं अगर कुछ बोला तो सबके सामने एक्सपोज हो जाऊंगा, और मेरी तौर मेरे बारे में क्या सोचेगी? कोई शुक्र है अभी तक इनको पता ही नहीं है मेरे बारे में, वरना सोसाइटी की नाक कट जाने सी आज थे। और तारा जी दे नाल ते नजर ही नहीं मिला सकता सी मैं। भगवान भाई, चलो इससे पहले कि हमारी बेइज्जती हो जाए। चलो। वाह कमीने, क्या कहानी घुमाता है। तेरा तुक्का हर बार कहीं ना कहीं से लग ही जाता है। थैंक्स ब्रो। हाय हाय।